हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है आप लोगों के? देखिए, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप और हम लोग आकार की और शारीरिकी के तुलनात्मक अध्ययन करके मुख्य रूप से एविडेंस के प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विशेष तौर पर दो चीज़ों का आप और हम लोग स्टडी करके एविडेंस के प्रस्तुत प्रमाण करेंगे। तो कौन कौन से मुख्य रूप से जैसे हैं एविडेंस जो मुख्य रूप से इवोल्यूशन को शो करते हैं, जैसे होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस क्या होते हैं और एनालोगस मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये आप लोग देखिए। होमोलोगस यानी कि इस प्रकार के ऑर्गन जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं लेकिन फंक्शन में डिफर होते हैं, स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं लेकिन फंक्शन में मुख्य रूप से डिफर होते हैं, उनको मुख्य रूप से होमोलोगस ऑर्गन कहा जाता है और इसको होमोलोगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समजातता। होमोलोगस को हिंदी में कहते हैं समजात अंग कहा जाता है, होमोलोगस ऑर्गन को हिंदी में कहा जाता है समजात ऑर्गन, और होमोलोगी को कहा जाता है समजातता के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सीधे सीधे मैं मुख्य रूप से अपने बिंदुओं पर आना चाह रहा हूं। होमोलोगस दो चीजों में मैं लिखे देता हूं कि होमोलोगस ऑर्गन स्ट्रक्चर सिमिलर और फंक्शन कैसे हो, डिफर हो, तब उसको कहा जाता है होमोलोगस ऑर्गन। उनको क्या कहा जाता है? होमोलोगस ऑर्गन के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है, और इस क्रिया को मुख्य रूप से कहा जाता है होमोलोगी। ये जो है, ये मुख्य रूप से होमोलोगस ऑर्गन जो है वह डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी इस प्रकार का एटमॉस्फियर है एक प्लेस पर, यहां सभी एनिमल रहते हैं लेकिन उनके अपने फंक्शन के हिसाब से या अपनी आवश्यकता के हिसाब से यह मुख्य रूप से दूसरे प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां दूसरे प्रकार का एटमॉस्फियर होता है। जैसे ये डाइवर्जेंट कंडीशन है, इस प्लेस पर मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के एनिमल रह रहे हैं और ये इनको मुख्य रूप से एक इस जगह पहुंच गए, एक इस एटमॉस्फेयर में पहुंच गए, एक इस एटमॉस्फेयर में पहुंच गए, यानी सीधे सीधे ये मुट्ठी बंद है। जब इसको खोलेंगे तो चार दिशाओं में फैलेगी, चार दिशाओं में मुख्य रूप से फैलती है। तो ये कंडीशन जो है वह कंडीशन मुख्य रूप से क्या कहलाती है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो विशेष ध्यान रखें, बहुत ज्यादा मल्टी एमसीक्यू में मुख्य रूप से पूछा जाता है कि होमोलोगस ऑर्गन है वह किस प्रकार के इवोल्यूशन को शो करता है, तो आपको वहां एक मिलेगा आंसर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मुख्य रूप से शो इनके द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल आप क्या बता सकते हैं इनके? एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं कि लिंब ऑफ फ्रॉग, हॉर्स, ह्यूमन एंड टाइगर, चीता, तो ये बता सकते हैं। तो देखिए, लिख देता हूं मैं एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल, एनिमल के एग्जाम्पल है। सबसे पहले लिंब ऑफ फोर लिंब, सॉरी लिंब ऑफ फोर लिंब में लिंब ऑफ एनिमल के नाम लिखना है। कौन कौन से लिखते हैं यहां? फ्रॉग लिख दीजिए, ह्यूमन लिख दीजिए और टाइगर लिख दीजिए। ठीक है, तीन से काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? यदि आप तो इनकी यदि स्ट्रक्चर देखते हैं, इनके स्केलेटन की स्टडी करें, किसकी? इनके स्केलेटन की स्टडी करें, स्केलेटन में मुख्य रूप से कौन कौन से, जैसे ह्यूमरस बोन्स हैं, रेडियो अल्ना बोन्स हैं, कार्पसल्स बोन हैं और मेटा कार्पसल्स बोन है और फेलेंजेस बोन है। यानी ह्यूमरस बोन जो है वो इस वाले भाग में पाई जाती है, यहां से यहां तक का जो भाग है ह्यूमरस बोन का, यहां से यहां तक का जो भाग है कलाई से पहले वो है मुख्य रूप से रेडियो अल्ना, और जो कलाई पर बोन पाई जाती है रिस्ट बोन जिनको कहा जाता है वह कार्पसल्स होती है, और हथेली में जो बोन्स पाई जाती है वह मुख्य रूप से कौन सी होती है? मेटा कार्पसल्स होती है, और अंगुलियों में जो बोन्स होती है वह मुख्य रूप से फेलेंजेज होती है। यदि इनकी अपन कंपेरेटिव स्टडी करें, इन सभी बोन्स की स्केलेटन की कंपेरेटिव स्टडी करें, तो इनकी स्ट्रक्चर और ओरिजिन मुख्य रूप से सिमिलर दिखाई देगा लेकिन फंक्शन अलग अलग है। कैसे फंक्शन है? कि फ्रॉग जो है, फ्रॉग के मुख्य रूप से जो फोर लिंब होते हैं, फ्रॉग के जो फोर लिंब होते हैं वह मुख्य रूप से, यहां मैं बात जो कर रहा हूं वो विशेष तौर पर ध्यान आप देंगे,
फोर लिंब की चर्चा चल रही है। किसकी चल रही है? फोर लिंब की चर्चा चल रही है। तो जो फ्रॉग के होते हैं वह फुदकनी का कार्य करते हैं, चक्कर इधर से उधर पहुंच जाते हैं। ह्यूमन के जो हैंड होते हैं वह मुख्य रूप से क्या करते हैं, किसी चीज को कैप्चर करने में, पकड़ने में मुख्य रूप से कार्य करते हैं। हॉर्स और जो चीता होता है, जो टाइगर होते हैं, वह मुख्य रूप से दौड़ने में, रनिंग में सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं? मुख्य रूप से रनिंग में सहायता करते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप किसमें बता सकते हैं? होमोलोगस में। तो आपने देखा कि मुख्य रूप से ये अपनी आवश्यकता अनुसार इन्होंने अपने फंक्शनली मुख्य रूप से डिफर कर लिए। क्या फंक्शन इनके डिफर हो गए? जिस स्थान पर गए वैसा मुख्य रूप से इनका फंक्शन हो गया वहां। तो ऐसे प्लांट्स में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो प्लांट्स के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से एग्जाम्पल आप इनमें दे सकते हैं? देखिए, तो एक तो थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकरविटा। तो ये तो प्लांट्स हैं, इनकी ये स्ट्रक्चर है। आपने देखा थॉर्न को मुख्य रूप से कांटे और टेंडल मतलब एक धागे जैसी संरचना होती है जिससे मुख्य रूप से क्या वह किसी पेड़ से या किसी सहारे से लेकर इस प्रकार से चढ़ते चले जाते हैं। तो थॉर्न मुख्य रूप से क्या कर रहा है कि प्रोटेक्शन का कार्य कर रहा है, ये पकड़कर मुख्य रूप से ऊपर जाने का कार्य कर रहे हैं। तो इस वजह से इनके फंक्शन तो डिफर हो गए लेकिन स्ट्रक्चर ये सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। क्या? सिमिलर ऑर्गन मुख्य रूप से होते हैं। तो इस वजह से यह भी होमोलोगस ऑर्गन को शो करते हैं, यानी लेकिन ये किस कंडीशन में हुआ? ये कौन सा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है? ये कौन सा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मुख्य रूप से होता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को आप ध्यान रखेंगे कि ये बंद मुट्ठी है और इसको जैसे ही खोलते हैं तो वह मुख्य रूप से अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। तो वह डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मुख्य रूप से होता है। तो एक चीज ये, दूसरा आता है एनालोगस ऑर्गन। तो देखिए, तो एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं? तो यहां क्या बताएंगे आप, वही लिख दें कि स्ट्रक्चर और फंक्शन। देखिए, स्ट्रक्चर मुख्य रूप से कैसी होती है? डिफर होती है इनकी, ऑर्गन की। और फंक्शन कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो अब देखिए कैसे बता सकते हैं ये कि एग्जाम्पल के माध्यम से। हाँ, यहां ये जो इवोल्यूशन होता है वह इवोल्यूशन मुख्य रूप से कौन सा होता है? यहां डाइवर्जेंट बताया था, यहां कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। देखिए, जैसे ये आए और ये, यानी कि भिन्न भिन्न स्थानों से एक जगह पर आ गए, भिन्न भिन्न स्थानों से एक जगह पर आ गए। इस कारण से मुख्य रूप से इस प्रकार का स्ट्रक्चर में भिन्नता आ गई। क्या? स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से कैसी आ गई? भिन्नता आ गई। और मुख्य रूप से फंक्शन कैसे हो गए? सेम हो गए। फंक्शन कैसे हो गए? सेम हो गए। तो आप एग्जाम्पल कैसे कौन कौन से बता सकते हैं? जैसे विंग्स ऑफ, एग्जाम्पल देखिए, विंग्स मतलब पंख। चलिए, मैंने लिख दिए विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट, चमगादड़। ठीक है, तो देखिए, जो बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वह काइटिन के बने हुए रहते हैं, जबकि वर्ड एंड वेट के जो रहते हैं वह फोर लिंब के मॉडिफिकेशन से मुख्य रूप से बनते हैं। तो वर्ड्स में तो मुख्य रूप से क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं उनके बीच में फीदर पाए जाते हैं, यानी फीदर के बने होते हैं, जबकि मुख्य रूप से वेट के जो बोन होते हैं उनके बीच में मुख्य रूप से स्किन्स पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर मुख्य रूप से कैसे डिफर है, स्ट्रक्चर में मुख्य रूप से कैसे डिफर है, लेकिन फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन एक ही है, वो फ्लाई करने का, यानी कि उड़ने का फंक्शन है। क्या? उड़ने का फंक्शन है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से एक ये दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? देखिए, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, मैमल्स देखिए, ये एनालोगस होते। कैसे एनालोगस होते?
कि इनकी स्ट्रक्चर आंखों की अलग अलग होती है, लेकिन कार्य क्या, देखने का कार्य करते हैं। आंख क्या कार्य करती है, देखने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। ये दे सकते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स, पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, क्या? तो इनके फ्लिपर की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग अलग होती है, लेकिन कार्य क्या है, तैरने का कार्य करते हैं। काय का कार्य करते हैं, तैरने का कार्य करते। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से आप क्या बता सकते हैं, होमोलोगस और एनालोगस बता सकते हैं। तो इन दोनों होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन से सीधे सीधे मुख्य रूप से यह सिद्ध होता है कि वास्तव में मुख्य रूप से यह वायु एवोल्यूशन यानी जैव विकास में मुख्य रूप से प्रमाण प्रस्तुत इनके द्वारा किए जा सकते हैं। तो एक चीज तो मुख्य रूप से आपके क्या हुई ये, अब इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो खींच लीजिए, बच्चों फोटो खींचिए। चलिए, अब होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन में कभी कभी किसी स्टेट में मुख्य रूप से डिफरेंस पूछ लिए गए, क्या डिफरेंस पूछ लिए गए। वैसे तो आप लोग बता सकते हैं कि डिफरेंस बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपको एक कंपेरेटिव चार्ट में मुख्य रूप से एक बार बताना चाहूंगा। ठीक है, ले लिया, देखिए तो चलिए देखिए, तो यहां लिख दें होमोलोगस ऑर्गन और यहां लिख दिया जाए एनालोगस। ठीक है, बीच में क्या कर दे लाइन, तीन चार अंतर में से बताऊंगा, तीन चार नंबर में क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है कुछ स्टेट्स में। देखिए फर्स्ट देखिए के लिख दीजिए स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में कैसे हैं ये सिमिलर सिमिलर और ये मुख्य रूप से कैसे हैं डिफर स्ट्रक्चर में। दूसरा पॉइंट फंक्शन कैसा है डिफर और यहां फंक्शन कैसा है सेम यानी सिमिलर। ये ऑर्गन बाह्य रूप से यानी एक्सटर्नल मॉर्फ यानी मॉर्फोलॉजी बाह्य रूप से समान और ये कैसे होते हैं ये भिन्न होते हैं। आप बता सकते हैं ये संरचनाएं विकासात्मक रूप से संबंधित होती हैं या विकासात्मक यानी कि विकासात्मक रूप से संबंधित होती हैं और ये संबंधित यहां लिख दो शॉर्ट में। देखिए पूरा लिखने का काम आपका है, ऐसे नहीं लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, पूरा लिखने का काम आपका है, मैं तो बिल्कुल केवल अंतर के रूप में लिख रहा हूं। ये संबंधित नहीं होते और यहां मुख्य रूप से पांचवा जो अंतर दे देंगे वह एग्जाम्पल का दे देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे इसमें कौन से दे सकते हो आप, फोर लिंब ऑफ फ्रॉग दे दो, ह्यूमन दे दो और आप हॉर्स दे दो, टाइगर दे दो, ये दे सकते हो। और इधर मुख्य रूप से क्या दे दोगे, आपका विंग्स ऑफ बटरफ्लाई वर्ड्स एंड वेट के दे सकते हो। तो इस प्रकार से आप डिफरेंस के रूप में भी मुख्य रूप से इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये, अब इस पार्ट में मैं आपसे
वेस्टिजियल ऑर्गन पर भी चर्चा करना चाहूंगा। किस पर चर्चा करना चाहूंगा? वेस्टिजियल ऑर्गन पर भी मुख्य रूप से चर्चा होगी। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होती, नाम से स्पष्ट हो रहा, अवशेषी अंग। वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स अवशेषी अंग, नाम से स्पष्ट हो रहा है। यानी इस प्रकार के अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील होते थे, एक्टिव होते थे, लेकिन वर्तमान जाति में मुख्य रूप से वह क्रियाहीन होते, यानी कार्य नहीं करते हैं, तो उनको कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। वे अंग जो पूर्वजों में क्रियाशील होते थे लेकिन वर्तमान में वह क्रियाशील नहीं है, उनको मुख्य रूप से कहा जाता है अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। तो लिख दिए, चलिए देखिए, वे अंग जो पूर्वजों यानी एंसिस्टर, लिख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एंसिस्टर लिख लीजिए, पूर्वजों, वे अंग जो पूर्वज, अंग को तो जान ही चुके ऑर्गन, वे अंग जो पूर्वजों में क्रियाशील यानी एक्टिव कार्य करते थे, मतलब ये कहने का जो पूर्वजों में क्रियाशील एवं वर्तमान जाति के जीवों में क्रियाशील नहीं होते, क्रियाशील नहीं होते, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग कहा जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो यानी ये क्या मतलब हुआ कि अपने शरीर में ये अंग पाए जा रहे हैं, अपने शरीर में ये अंग पाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कार्य नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों में ये पाए जाकर मुख्य रूप से कार्य अच्छे ढंग से करते थे। तो इन ऑर्गन को ही मुख्य रूप से वेस्टिजियल ऑर्गन नाम दे दिया गया। जैसे अकेले ह्यूमन की चर्चा करूं, ह्यूमन की बॉडी में मुख्य रूप से बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से कार्य नहीं करते। अभी मैं जैसे दो चार एग्जाम्पल दूंगा आपके सामने, तो एग्जाम्पलों को लिख दें। जैसे स्नेक देख ले, सांप तो सुने ही होंगे, देखे होंगे आपने, देखा स्नेक में मुख्य रूप से क्या नहीं पाए जाते? पैर नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? पैर नहीं पाए जाते। लेकिन हमारे जो स्नेक जो थे, अजगर और बोआ के स्नेक्स में मुख्य रूप से क्या पाए जाते? पेल्विक गर्डल भी पाए जाते हैं। तो यानी पेल्विक गर्डल पाए जाते, तो ये सो होता है कि पूर्व में मुख्य रूप से पैर पाए जाते होंगे, तो आज ये पेल्विक गर्डल इनएक्टिव रूप में मुख्य रूप से पाए जा रहे हैं। एक चीज ये दे सकते हैं एग्जाम्पल में। दूसरा मुख्य रूप से आप क्या दे सकते हैं? फ्लाईलेस जो बर्ड्स होती है, बिना उड़ने वाले पक्षी होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं पाते, तेज रनिंग करते हैं, या कुछ पक्षियों के जो पंख होते हैं वह क्रियाशील थोड़े बहुत होते हैं, आंशिक रूप से, पार्शली रूप से, यहाँ से फ्रो के दूसरी जगह पहुँच गए। तो इनके जो पंख हैं वह पेशियाँ हैं, इनके जो पंख और पेशियाँ वह वेस्टिजियल फॉर्म में ही पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? पक्षियों के पंख एवं जो पेशियां होती, मसल्स और विंग्स जो होते हैं, वह है कौन से? जो उड़ नहीं, बिना उड़ने वाले पक्षियों बात कर रहा हूं, नहीं आप ले लें उड़ने वाले पक्षियों में, उड़ने वाले पक्षियों में तो ये कार्य करते हैं, बिना उड़ने वाले पक्षियों के पंख और पेशियों की मैं बात कर रहा हूं, यह मुख्य रूप से वेस्टिजियल ऑर्गन के अंतर्गत ही आते हैं। अब आप और हम लोग अपनी बात करें क्या, तो आप और हम लोग देखते हैं कि ये जो ईयर है, इन ईयर में मुख्य रूप से मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो ईयर में एक्सटर्नल ईयर की जो मसल्स होती है वो वेस्टिजियल होती है। क्या? तो देखिए मैं लिख रहा हूं, मसल्स ऑफ
एक्सटर्नल ईयर यानी बाह्य कर्ण की जो पेशियां होती हैं वह वेस्टिजियल ऑर्गन के अंतर्गत हैं, कैनाइन टीथ वेस्टिजियल ऑर्गन के अंतर्गत है, विजडम टीथ इसी के अंतर्गत है। कैनाइन टीथ कौन से, जो इंसाइजर टीथ के जस्ट बगल से होते हैं, जो पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। ये अपने जो पूर्वज जब कभी कार्निवोरस रहे होंगे, मांसाहारी रहे होंगे, तो उस दौरान मुख्य रूप से ये पॉइंटेड हो गए, नुकीले हो गए, ये मांस को चीरने फाड़ने का कार्य करते। लेकिन आज आप और हम लोगों को मांस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो नुकीले पाए जाते लेकिन मुख्य रूप से सही ढंग से ये कार्य नहीं करते, अर्थात यह वेस्टिजियल फॉर्म में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। विजडम टीथ अक्कलदार, जो लास्ट वाला जो मोलर टीथ होता है, लास्ट का जो मोलर टीथ होता है, उसको मुख्य रूप से विजडम टीथ कहते हैं, यह भी वेस्टिजियल फॉर्म में मुख्य रूप से पाया जाता है। फिर निमेशक पटल यानी कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, देखिए ये जो है यहां ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, अपने पूर्वजों में मुख्य रूप से निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती थी, लेकिन आज पाई जा रही है इस एंगल पर, ये वाले जो एंगल है कॉर्नर वाले, इन एंगल पर पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से यह क्रियाहीन है, यह कार्य नहीं करते हैं। पाई जा रही है लेकिन कार्य नहीं कर रहे, तो ये कौन से ऑर्गन हो गए, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए बच्चों, कौन से ऑर्गन हो गए, वेस्टिजियल ऑर्गन मुख्य रूप से हो गए। फिर आप बता सकते हैं कॉडल वर्टीब्रा यानी पुच्छ कशेरुकाएं, क्या कॉडल वर्टीब्रा यानी पुच्छ कशेरुकाएं भी मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आती हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन के अंतर्गत ही आती हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, चलिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है, वेस्टिजियल ऑर्गन के अंतर्गत ही आता है। फिर आप बता सकते हैं हेयर ऑन बॉडी यानी कि हेयर, ये वाले हेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये वाले हेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूं जो अपनी स्किन पर पाए जाते हैं, क्या स्किन के विभिन्न भागों पर पाए जाते हैं, उन हेयर की बात कर रहा हूं। वो हेयर पाए तो जा रहे हैं लेकिन क्या मतलब के? क्या कार्य करते हैं भाई, घने होते, डेंस होते, तो मुख्य रूप से ये प्रोटेक्शन का भी कार्य करते, तो ये बॉडी के ऊपर पाए जा रहे हैं लेकिन इनका कोई फंक्शन नहीं है, तो इस वजह से मुख्य रूप से इनको क्या कह दिया गया, वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से मुख्य रूप से इनको जाना गया। तो ये आपके क्या हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जांपल हैं, आप बिल्कुल लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुख्य रूप से ये है, वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और मुख्य रूप से आप फोटो खींच लीजिए। जो अब आप कहते होंगे, मन में सोचते होंगे कि सर कुछ स्क्रीनशॉट भी साथ में कहते हैं, फोटो तो भैया कि स्क्रीनशॉट का मतलब ही नहीं आता, स्क्रीनशॉट यानी मोबाइल में ये देख रहे हैं, उसको क्लिक कर लिया, स्क्रीनशॉट हो गया, और फोटो मतलब इस प्रकार से खींचते हैं। तो मेरा तात्पर्य है कि जो सामने बच्चे बैठे हैं वह तो मुख्य रूप से फोटो खींच लें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो मुख्य रूप से मेरे अदृश्य साथी या मेरे छात्र हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, इनके साथ साथ वो भी बहुत प्रिय हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रिय नहीं, तो वह मुख्य रूप से क्या स्क्रीनशॉट के माध्यम से कर लें, ठीक है। तो ये देख लीजिए,